मंगलम दंगलम लग रहा है इनको हार्ट अटैक हो रहा है। एक काम करता हूँ मैं, वो सीपीआर करता हूँ, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। अर्जुन, अर्जुन हाँ? ए नखरेक, क्या कर रहा है? मेरे मुंह में मुंह डाल रहा है। नखरेक, हाथ दे, हाथ दे मुझे, मुंह उठा। अयो, अर्जुन। बेशरम, बेआबरू, बदतमीज, शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरी बेहोशी का फायदा उठाते हुए, दो कवड़ी का वकील? इतने सारे डिग्री देने से पहले मैं आपको बता दूं सर, जो आप कह रहे हैं, जो आप समझ रहे हो, वो एकदम गलत है। अर्जुना, अमर बेटा तुम्हारे जान बचाया फेस्टेड देके, तुम ऊपर से उसको गाली दे रहा है। अर्जुना, you should have left this mad man suffering instead of helping him. Hey, mad तुम हो, mad मैं नहीं हूँ। तुम ना mad है। Thank God, पापू आप बिल्कुल ठीक हो, मेरी तो जान ही निकल गई थी। Thank you so much, अर्जुन। कोई जरूरत नहीं है स्वार्थी इंसान को थैंक यू कहने की। अपने स्वार्थ के लिए मुझे बचाया होगा इसने, स्वार्थी कहीं का। देखिए नो अर्जुना, तुम अगर कीचड़ में पत्थर मारेगा ना, कीचड़ तुम्हारे ऊपर आएगा। चलो यहां से। आज तो लगा था कि यमराज मुझे साथ लेकर ही जाएंगे, ये तो नसीब अच्छा था इसलिए बच गया। मैं छोड़ूंगा नहीं उस कुट्टी के कुट्टू को, छोड़ूंगा नहीं मैं। अर्जुन को क्यों कोस रहा है? वही तो मौत के मुंह में हाथ डालकर तुम्हें बाहर खींच लाया। तुम खुद ही तो गए थे लिफ्ट में, अर्जुन तो नहीं लेके गया था। और नहीं तो क्या, आप ही सोचिए, अगर आप लिफ्ट में अकेले फंस जाते, अर्जुन आपके पीछे पीछे नहीं जाता तो क्या होता? अरे मैं तो लुट जाती, बर्बाद हो जाती। ए, उस वकील की वकालत करना बंद करो। लुट जाती, बर्बाद होती? बर्बाद मुझे कर दिया। मत तो भाई कहो, एक आदमी मुझे थप्पड़ मारता रहे, उसके बाद में आके मुझसे माफी मांगने लगे, तो क्या मुझे उसे माफ कर देना चाहिए? कौन है जो हमारे मालिक के थप्पड़ मारा है? बताओ अपन को, अपन उसके हाथ पाँव तोड़ के सीधा अस्पताल तक छोड़ के आएंगे, कसम से कह रही है। चालू बस में क्यों चढ़ रहा है? मैं उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ, तो चुप कर, बीच में मत बोल। माँ, मैं उस कुट्टी के कुट्टू को एक बार माफ कर सकता हूँ, लेकिन उसकी जो माँ है ना, मिसिस कुट्टी, एक नंबर की बदतमीज और घमंडी औरत है वो। वो इतनी बदतमीज है, इतनी बदतमीज है, तुम्हें पता है? मैं सोचने की बात है, जो औरत मेरे और रूमी के सामने छोटी सी बात को प्रूव करने के लिए अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा लड़ी, वो मेरी बेटी के साथ घर की चार दीवारी में क्या क्या नहीं कर सकती। उस मनहूस औरत का तो साया भी नहीं पड़ने दूंगा मैं मेरी बेटी पे। बदतमीज औरत नहीं भेजूंगा मैं, नहीं भेजूंगा इसे उस घर में, कभी नहीं भेजूंगा। वो कुत्ती रिश्ते की आड़ में मुझसे बदला लेना चाहती है, मुझे नीचा दिखाने का मौका ढूंढ रही है वो। पापू आप गलत समझ रहे हैं अम्मा को। अम्मा, वो कुत्ती तेरी अम्मा कब से हो गई? सॉरी, आई मीन अर्जुन की अम्मा। पापू, आंटी ऊपर से सख्त जरूर है पर दिल की बहुत सॉफ्ट और इमोशनल है। हाँ, थोड़ी कड़वी बातें बोलती हैं पर दिल में उनके मैल नहीं है पापू, हमेशा सच का साथ देती है और सच के लिए लड़ती भी है। और मुरली का केस भी उन्होंने इसलिए लिया था क्योंकि उनको लगा कि मुरली सही है, वो सच्चा है, पर अब उन्हें सच का पता चल चुका है पापू, और वो फ्यूचर में ऐसे फ्रॉड इंसान का साथ कभी नहीं देंगी। अम्मा को तुमसे कोई बात नहीं करने का है, तुमने सिर्फ अपना नाम खराब नहीं किया, तुम अपना पूरा मलयाली कम्युनिटी का नाम खराब किया है। तुमको क्या लगा तुम सिर्फ सकलेचा को चीट किया? तुम्हें झूठ बोल के सबसे बड़ा चीटिंग का हमारे साथ किया है, हमारे बेटा का खिलाफ अम्मा को कैसे लड़वाया, अभी हमारे घर में क्यों खड़ा है? निकल जाओ यहाँ से। हम जो किया हम उसका माफी मांगता है जी,
पर अमु को जेल जाने से आप ही बचा सकता है. After all, आप और हम एक ही कम्युनिटी से. प्लीज हमारा केस लड़के हम को बचाओ जी. नो नेवर. हम हमेशा हमारा बच्चा को कहा कि अच्छा लॉयर कभी झूठा केस नहीं लड़ता, ऐसे गलत इंसानों के साथ काम नहीं करता. लेकिन तुम ऐसा करके हमसे गलत काम करवाया. तुम्हारा असली जगह जेल में है. भी देखूंगा. लीव प्लीज गो. आई एम सॉरी अर्जुना, हमसे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया. नॉट ऑल अम्मा, गलती आपका थोड़ी ना है. इट्स नॉट योर मिस्टेक. मिस्टेक तो उस मुरली का है जिसने आपको गलत बात पे कन्विंस किया. अगर आपको सॉरी बोलना है तो आई थिंक आपको सकलेचा को सॉरी बोलना चाहिए. नेवर. अम्मो उसे इडियट मैनो को कभी सॉरी नहीं बोलेगा. कितना थैंकलेस है वो. तुम उसको दो दो बार बचाए, एक बार जेल जाने से और एक बार ऊपर जाने से. फिर भी वो आदमी, इडियट आदमी, तुम्हारा साथ कितना मिसबिहेव किया. इतना थैंकलेस फैमिली, वायलेंट फैमिली है. उस फैमिली का बेटी को हम अपना घर का बहू कभी नहीं बनाएगा बोल देता है अर्जुना. हमें अपना अर्जुना का जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होने देगा. मतलब नहीं होने देगा, उसका शादी नहीं होने देगा उस लड़की से. ये यो वाइफ जी, अर्जुना ओनली सॉरी बोलने के लिए बोल रहा है, शादी के लिए नहीं बोल रहा है. हमें वो भी नहीं होने देगा. जो औरत मेरे और रूमी के सामने छोटी सी बात को प्रूव करने के लिए अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा लड़ी, वो मेरी बेटी के साथ घर की चार दीवारी में क्या क्या नहीं कर सकती. उस मनहूस औरत का तो साया भी नहीं पड़ने दूंगा मैं मेरी बेटी पे. ध्यान कहाँ दे रहा. आई एम सॉरी मम्मा, पता नहीं कहाँ था. आई एम सो सॉरी. परेशान है ना तू. नहीं नहीं तो मैं क्यों परेशान होंगी. आप भी तो कैसे बोल रहे हो. माँ हूँ तेरी, किताब की तरह तेरा चेहरा पढ़ सकती हूँ कि तू परेशान है. जब तू परेशान रहती है ना तो तेरा चेहरा श्यामलाल की तरह लगता है. श्यामलाल. श्यामलाल. ये कौन है. वही जो टीवी में आता है एड में. पहले मैं बहुत परेशान रहा करता था, मेरे दिमाग की नसें खिंची खिंची रहती थी, मेरी भौहें ऊपर की तरफ तनी तनी रहती थी, गैस पे रखा हुआ दूध उबल उबल कर गिरता जाता था और मुझे पता ही नहीं चलता था. सुबह शाम दिन रात सोते जागते उठते बैठते बस मैं टेंशन की दुनिया में ही खोया रहता था. फिर मुझे मिला टेंशन जीरो चूरन. देखा ही है. देखा है. मंगवा दूं तेरे लिए. चूरन की जरूरत मुझे नहीं मम्मा, आपको है. टेंशन में तो आप मुझे ज्यादा लग रही है. हाँ? भले ही पापू की बेटी हो लेकिन मुझे पता है मेरे बारे में सोच सोच के आप ज्यादा परेशान होती है. याद है मम्मा जब पापू मुझे सुला के चले जाते थे, फिर आप बाद में आके मुझे चादर उड़ाती थी. इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. सच्ची. हाँ चलिए इसी बात पे दो कप कॉफी हो जाए. ओके. मैं बाहर वेट कर रही हूँ. देखा तुमने. हाँ माँ जी, सारा दूध गिरा दिया उसने. मैं दूध की नहीं रूमी की बात कर रही हूँ. खिलखिलाती कली बेचारी मुरझा गई है, खुद टेंशन में है और तुझे कह रही है टेंशन मत ले. माँ जी बात तो आपकी सही है पर ये बड़े जिद्दी हैं, मानेंगे ही नहीं. ये बात तो एकदम सही है. मालिक ने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर तो अपने आप की भी नहीं सुनते. और अगर मालिक ने अर्जुन कुट्टी के खिलाफ फैसला कर लिया है तो फिर वो कोई नहीं बदल सकता, खुद मालिक भी नहीं. तेरा नाम क्या ऐश्वर्या है. नहीं. तो फिर राय क्यों दे रहा है. चल निकल. काम की बात करने से पहले ही अपन को भगा दिया. बहुत नाइंसाफी है जे. पर जे तो पता लगाना ही पड़ेगा कि सास बहू मिलकर मालिक के खिलाफ कौन सी बिरयानी पका रही है. तू गया नहीं अभी. जा रही हूँ. तू जा. हम्म.
कपड़ा एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कैसा हो? संजीव सकलेचा जैसा हो। तू जा रहा था ना, तू चाहता है कि मैं आऊं? नहीं जा, दादी जा रही है, अपन जा रही है। सुन नहीं नहीं माँ जी, मुझे बोतल लगा, वो तो मुझे गोली मार देंगे। अरे कुछ नहीं होगा, बैठ। अपने घर में गन है कहाँ? और अगर होगी भी तो उसे चलाने आती है क्या? हाँ हाँ हाँ, फिर ठीक है। रूमी बेटा जी, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? कुछ नहीं बापू, बस भूख नहीं लग रही है। पर मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अगर आप बुरा ना माने तो। अच्छा दीदी, वो गरम समोसे और वो सुनहरी जलेबियां जरा पास करना। प्लेट रख, प्लेट रख। उसे जब खाना है खाएगी। हो, मैं तो भूल ही गया कि जब तक रूमी दीदी को भूख नहीं लगती वो यहीं पे इस प्लेट के सामने ही बैठी रहेंगी, फिर चाहे कैलेंडर में दिन क्यों ना बदल जाए, है ना रूमी बेटा? दीदी मालिक 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 बहुत आशु खबर लेकर आ रही है, मैं बता रहा हूँ। कान क्यों काट रहा है, क्या है? बता रही है मालिक, कान मालिक बहुत दासु खबर लेकर आ रही है। क्या मालिक? अपन को दाल में कुछ काला लग रही है, बता रही थे ना। कहाँ काला है? मुझे कुछ काला लगा मालिक। दाल 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 में कुछ काला लग रहा है। क्यों मालिक? अपन ने दादी और मम्मी जी को आपस में बात करते हुए सुना। रोज बात करते हैं, उसमें नया क्या है? नहीं मालिक, ये वो वाली बात नहीं है। हो? ये वो वाली बात है, वो वाली, वो वाली। बोलो अर्जुन बेटा, कैसे हो तुम? दादी अब बहुत बुरा, ना मैं ठीक हूँ ना यहाँ के हालात ठीक है। अच्छा हालात ठीक हो गए? दादी मैं कह रहा हूँ हालात ठीक नहीं है, कैसे ठीक हो सकते हैं जब तक अम्मा मान नहीं जाती, कुछ नहीं ठीक है। अच्छा अम्मा मान गई, अच्छा रूमी को एक मौका देने के लिए तैयार हो गई। दादी आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं, आप गलत समझ रहे हैं। क्या उन्होंने रूमी को गलत समझा? अरे गलत आप समझ रही हैं। तो अभी गलतफहमी दूर हो गई ना उनकी, ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है दादी के कान का सॉफ्टवेयर डैमेज हो गया। मालिक उनकी भाई आंख फड़क रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है मालिक। मेरा तो पूरा शरीर फड़क रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है उस औरत के दिमाग में। हाँ कोई पैटरा वैतरा नहीं है, जितना प्यार तुम अपनी बेटी से करते हो उतना ही प्यार वो अपने बेटे से करती है, तभी तो रूमी को एक चांस देने के लिए तैयार है वो। अपने बेटे को लेके इतनी स्वार्थी नहीं है जितने तुम अपने बेटे को लेके हो। वो तो अपने बेटे की नजरों में अच्छी बन गई है, लेकिन तेरा क्या रिंकू, तू तो अभी भी विलन बना रहता है। तू इस रिश्ते को मना करके अभी भी रूमी का दिल दुखा रहा है। नहीं नहीं दादी ऐसा कुछ नहीं है, पापू जो भी करेंगे ना वो तो। ये कुछ नहीं करेगा, जो करना है मैं करूंगी। मैं तो उन्हें देखते ही समझ गया था कि वो बहुत सेंसिबल वुमन है। वो औरत सेंसिबल है, किसी ने राय मांगी तुझसे? चल मैं मांगती हूँ, बता क्या है तेरी राय? I feel कि वो बहुत जीनियस वुमन है, क्योंकि उन्होंने अपनी रिवेंज की फीलिंग को साइड पे रख के अपने बेटे की खुशी को प्रायोरिटी दी ना। ये फोक देना, फोक दे। साहिल का वजन भले ही कम हो लेकिन उसने बात बड़ी भारी की है। जीते रहे मेरे शेर, जीते रहे। ये मिसेस कुट्टी नाम की गंगा अचानक उल्टी क्यों बहने लगी है? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, ये हृदय परिवर्तन हुआ कैसे? अम्मा को कोई एक्सप्लेनेशन देने का नहीं है, अम्मा अपना माइंड चेंज नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा। ओके एवरीबॉडी, कोई अम्मा को तंग नहीं करेगा, अम्मा का माइंड नहीं चेंज करेगा। ओके अम्मा, पहली बार इतना बड़ा झूठ बोलेंगे अम्मा जी, अगर पकड़े गए तो?
अरे कुछ नहीं होगा, देखो अपने नाटक का पहला अंक मैंने पूरा कर दिया, अब हम दूसरे अंक में प्रवेश कर रहे हैं। वो एक काम कर, मिसेस कुट्टी को फोन कर। माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे ये डरने का वक्त नहीं है, करने का वक्त है, अपनी रूमी के लिए। रूमी के लिए? हेलो। हाँ हेलो अर्जुन, मैं रूमी की मम्मी, अपनी अम्मा से बात करवा दो। हेलो। हेलो, मुझे ना आपको एक खुशखबरी देनी थी। क्या है? माँ जी बात करो। मैं नहीं बोल पाऊंगी। आइयो, ऐसा क्या गुड न्यूज है कि तुम बोल नहीं पा रहा है? इसका मतलब तुम्हें ये समर में है? नहीं 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 नहीं, आप जो समझ रही हो वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? एक मिनट। हाँ एक मिनट, मुझे पता था मुझसे ना ये सब नहीं होगा, इसीलिए जो मुझे बोलना है ना मैंने चिट्ठी में लिख लिया है, अभी पढ़ती हूँ। वेरी गुड, अब पढ़ो। प्रिय अर्जुन कुट्टी की माता जी एवं आदरणीय चारुलता कुट्टी जी, मुझे आपको ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, मेरे वो जो मेरी माँ जी के रिंकू हैं और मेरी रूमी के पापू और मेरा साहिल उसके पापा और मक्खन के मालिक, वो आपके सुपुत्र चिरंजीवी अर्जुन कुट्टी और मेरी सुपुत्री सौभाग्यवती रूमी सकलेचा के पवित्र रिश्ते को एक अवसर प्रदान करने को तैयार हो गए हैं। अयो थोड़ा हिंदी में बोलो ना। हाँ मैंने हिंदी में ही बोली। मतलब मेरे वो आपके अर्जुन और हमारी रूमी के रिश्ते को एक और मौका देने के लिए तैयार हो गए हैं। अयो, तुम्हारा हस्बैंड हमारा बेटा को इतना इधर उधर नचाया, अभी एक चांस काई को देने को मांगता है, वाइफ बोलो। हरीजी वो सब छोड़ो, फाइनली जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, अब इस बात पे ना एक मिठाई हो जाए। क्या वो अपने अतीत को भुलाकर अपने भविष्य में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं? बस आपके आदेश की प्रतीक्षा है आपकी शुभचिंतक सौभाग्यवती संगीता सकलेचा। What nonsense? कैसा डबल गेम खेलता है तुम लोग? हाँ अभी हम तुम्हारा हस्बैंड को फोन करके अभी पूरा पूरा उसको। माँ जी सब गड़बड़ हो गया, वो कह रही है कि वो इनसे बात करेगी और अगर इन्हें पता चला ना वो घर में तो सुनामी आ जाएगा। माँ जी अब मैं क्या करूँ? ये तो झूठ बोलने से पहले सोचना चाहिए था, सीधी सादी भोली भाली बूढ़ी औरत से झूठ बुलवाया तुमने। माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? ईश्वर का नाम लेने की उम्र में इसने मुझसे झूठ बुलवाया, माफ कर दे भगवान। भगवान से डरिए माँ जी, आप मेरे पकड़े जाने पर ऐसा बोलने वाली हैं? हे भगवान मैंने लगा दी है रूमी की शादी की अर्जी, बाकी तेरी मर्जी, संभाल लेना मेरी डूबती नैया को। समझ में नहीं आ रहा है ये चारुलता कुटी अगला तीर कौन सा चलाएगी और अपने दिमाग से कौन सा शातिर खेल खेलेगी इस खेल में। मालिक अपन को तो लग रहा है कि जे खेल कुट्टी नहीं दादी खेल रही है। हाँ अपन के दिमाग की बत्ती उसी दिन जल गई थी जब दादी ने अपन को रसोई से रफू चक्कर कर दिया था। अगर ये बात झूठ निकली तो मालिक अपन मुर्गा बन के घर के 100 चक्कर लगाएंगे और आवाज निकालेंगे वो अलग। मुर्गी कुट्टी गंभीर मुद्रा में आई है, लगता है उसके बेटे का विवाह पक्का करने के लिए आई है। मिस्टर सकलेचा हमको आपसे एक बहुत अर्जेंट बात करने का है। मेरा तो ना दिमाग खराब हो गया था जो मैं आपकी बात मान ली, आपके प्लान में शामिल हो गई, अब वो मिसेस कुट्टी सारी पोल पट्टी इनके सामने खोल देगी और बेचारी रूमी ये मानकर खुशी के मारे झूम रही है कि मिसेस कुट्टी उससे मिलने के लिए तैयार हो गई है
हमें ना उसके इमोशंस के साथ ऐसे नहीं खेलना चाहिए था। किसके इमोशंस के साथ खेलने की बात हो रही है मम्मा? वो मैं खोलती हूँ। Mangalam, Dangalam, Mangalam. Oh!